सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डेडपूल के बारे में। सो इंटरनेट पे अभी काफी ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि आपको रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का दिखने वाला है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे बेसिकली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्टर में हमें डेडपूल से रिलेटेड एक स्टोरी देखने को मिला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, ताकि आपको डेडपूल के कैमियो के बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर और भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस वीडियो में मैं कुछ मेजर लीक्स और थ्योरीज के बारे में बात करने वाला हूँ, जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि डेडपूल डेफिनेटली आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको डेडपूल के रोल के बारे में जानना है इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर कैसे आ सकता है। अगर आपने डेडपूल 2 देखी होगी तो उस मूवी के अंदर बेसिकली जॉस ब्रॉलिन भी थे, और बेसिकली डेडपूल 2 के अंदर जॉस ब्रॉलिन केबल का रोल प्ले कर रहे थे, और बेसिकली केबल के पास एक टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी थी। डेडपूल 2 के अंदर डेडपूल 2 के लास्ट में हम देखते हैं कि बेसिकली केबल की वॉच खराब हो जाती है, जिसको बेसिकली मूवी के लास्ट में डेडपूल ठीक करवा लेता है, और उस टाइम ट्रैवलिंग वॉच का यूज करके डेडपूल सबसे पहले वेनेसा को बचाता है। इसके अलावा डेडपूल अपने मल्टीपल वेरिएंट्स को मारता है। डेडपूल उस टाइम ट्रैवलिंग वॉच का यूज करके अपने एक्समैन ओरिजिन्स वाले वेरिएंट को मारता है। इसके अलावा डेडपूल रायन रेनॉल्ड्स के एक वेरिएंट को मारता है, जो कि खुश हो रहा था ग्रीन लैंटर्न के स्क्रिप्ट को पढ़ के। इसके अलावा डेडपूल लिटरली एक बेबी हिटलर को मारने में जाता है, जिस सीन को बेसिकली मूवी से डिलीट कर दिया गया था। तो क्योंकि बेसिकली सीन के दौरान डेडपूल ने टाइम ट्रैवल किया, इसके अलावा काफी सारे टाइमलाइंस के साथ छेड़छाड़ किया, तो डेफिनेटली डेडपूल को भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा इस इवेंट के बाद। क्योंकि डेडपूल बेसिकली सेक्रेट टाइमलाइन का पार्ट नहीं था, तो बेसिकली टीवीए ने इन सारे इवेंट्स के दौरान इंटरफेयर नहीं किया, बट डेफिनेटली इन सारे इवेंट्स के लिए डेडपूल को इल्यूमिनाटी एक काउंसिल समन करेगी। जैसे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को समन किया जा रहा है बाय इल्यूमिनाटी काउंसिल, क्योंकि बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ की थी। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली डेडपूल को भी समन किया जा सकता है इल्यूमिनाटी काउंसिल के द्वारा, क्योंकि डेडपूल 2 के लास्ट में वेड विल्सन ने भी मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ किया है। तो जैसे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी काउंसिल का सामना करना पड़ रहा है, वैसे ही मोस्ट प्रोबेबली डेडपूल को भी इल्यूमिनाटी काउंसिल का सामना करना पड़ेगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। और इसी तरीके से मार्वल बेसिकली डेडपूल को इंट्रोड्यूस कर सकती है एमसीयू के अंदर। जब डेडपूल 2 रिलीज हुई थी तब हमने इस पोस्ट के सीन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और हमें नहीं पता था कि इस पोस्ट के सीन को मार्वल फ्यूचर में आगे कैसे यूज कर सकती है। पर अब जबकि फैंस ने एवेंजर्स एंडगेम देख लिया है, लोकी देख लिया है, और अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी हम देखने वाले हैं, तो हमें पता है कि जो भी लोग टाइम ट्रैवल करते हैं या फिर किसी टाइम लाइन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उन लोगों को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। तो क्योंकि बेसिकली वेड विल्सन ने या फिर डेडपूल ने डेडपूल 2 के लास्ट में इतने सारे टाइम लाइन के साथ मेस किया, तो मोस्ट प्रोबेबली डेडपूल को भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। और मोस्ट प्रोबेबली डेडपूल को भी हम इल्यूमिनाटी की बिल्डिंग में देख रहे होंगे या फिर इल्यूमिनाटी काउंसिल की बिल्डिंग में देख रहे होंगे। अभी इंटरनेट पे एक लीक्ड इमेज भी चल रही है डेडपूल की, जिस इमेज को आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा। अब मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता हूं कि ये इमेज असली है नहीं, पर इतना जरूर कंफर्म है कि डेडपूल मोस्ट प्रोबेबली आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलेगा। अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि कैसे बेसिकली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्टर ने डेडपूल को टीज किया है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। इसके अलावा रायन रेनॉल्ड्स ने कल एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर नहीं होने वाला है। पर हम सबको पता है कि एक्टर्स कितना झूठ बोलते हैं एक मूवी के रिलीज से पहले। हम सब ने देख रखा है कि एंड्रू गारफील्ड ने कितनी बार मना किया था कि वो स्पाइडरमैन नो वे होम में नहीं है, पर एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन नो वे होम में थे। इसी तरीके से हो सकता है रायन रेनॉल्ड्स भी झूठ बोल रहे हो कि वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर नहीं है, पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमें डेडपूल का एक कैमियो पक्का देखने को मिल सकता है। बाकी आपको ये थ्योरी कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूले। बाकी मुझे ये थ्योरी काफी अच्छी लग रही है, और आई पर्सनली थिंक कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेडपूल काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस हो सकता है एमसीयू के अंदर। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद डेडपूल 3 भी एमसीयू के अंदर काफी जल्दी बनने वाली है, जिसके ऊपर काम चालू है, और जिसके बारे में रायन रेनॉल्ड्स ने कल के अपने इंटरव्यू में बताया कि हाँ डेडपूल 3 पे काम चालू है, और डेडपूल 3 आपको काफी जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो आप डेडपूल 3 के लिए और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डेडपूल को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। इसके अलावा अगर आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस अपने चैनल पर बनाकर रखी है, आप जाकर देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।